रही हूँ अध्यक्ष महोदय। मूल ये प्रश्न जो है वो आप पहले प्रश्न बोल दें। या सॉरी 190 सर, माननीय मंत्री जी इनके पटल पर रखा गया है। आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। मूल प्रश्न जो है वो बंधुआ मजदूरों के बारे में है और इसका बहुत ही विस्तृत रूप से उत्तर मंत्री महोदय के यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने भारत सरकार इन मजदूरों के लिए क्या करती है और राज्य सरकार इनके पुनर्वास के लिए क्या क्या योजनाएं कर सकती है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। पर मेरा सप्लीमेंट्री सवाल सर इनसे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके बारे में है, खास करके जो खेती में काम करने वाले मजदूर हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र और खास करके मराठवाड़ा क्षेत्र में लगातार हम या तो सूखे का और अभी कुछ दिनों पहले से भारी मात्रा में हुई वर्षा के कारण बहुत नुकसान खेतों में किसानों को झेलना पड़ा। तो जब भी हम जाते हैं इनसे मिलने के लिए तो जो सर्वसामान्य लोग हैं वो हमसे पूछते हैं कि किसानों के लिए तो सरकार इतनी सारी योजनाएं कर रही हैं, उनको तो कुछ ना कुछ नुकसानदेही मिल जाती है, पेंशन भी शुरू की है, मजदूरों के लिए सरकार ऐसी कुछ योजनाएं रखती है क्या, यह मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी। सर मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सदस्य महोदय को, पर ये उनकी जानकारी में ये भी है कि असंगठित मजदूरों के लिए हमारी सरकार बहुत चिंतित है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार बनने के बाद इन 40 करोड़ असंगठित मजदूरों की चिंता की और जब ये 60 वर्ष के हो जाएंगे तब इन सारे मजदूरों को 3000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी, इसकी योजना लागू हो गई है और अब तक करीब 50 लाख लोग अपने आप को इस योजना में जोड़ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि असंगठित मजदूरों के बारे में अगर कोई उनका सुझाव हो हमें बताएंगे तो हम उसको एक सही ढंग से क्रियान्वित करने का काम करेंगे। सुरेश जी। सर वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर दैट डॉक्टर प्रीतम मुंडे जी एक मूल प्रश्न और पूछ लें, संक्षिप्त पूछ लें। हाँ मंत्री महोदय बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पेंशन के बारे में उसकी योजना के बारे में तो मैं जरूर जानती हूँ, पर मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पुनर्वास की योजनाएं लिखी हुई हैं वैसे इन मजदूरों के लिए इनके बच्चों के शिक्षा में कोई सहूलियत ऐसी कोई योजनाएं, ये रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिल जाएगी पर जो आज रिटायरमेंट के एज के पहले मजदूर हैं उनके लिए कोई योजनाएं सरकार लाना चाहती है? किन इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और इतना ही कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को एक अलग अलग कैटेगरी में हम ये सुविधाएं दे रहे हैं, सारे मजदूरों को ये सुविधा मिले इस सुझाव के बारे में हम जानकारी आपको बाद में दे देंगे। सुरेश जी। सर